أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Good morning and very warm welcome to all students. Assalamu alaikum. This is our next video lecture for grade 5 English. The topic is furry bears. Unit number 17. Today we are going to do reading, transition, word sentences, word meanings, and also question answer. In this video, you can find all the material for your next week diary. Now, students, we are going to read and translate this unit, furry bears. If I were a bear and a big bear too, I shouldn't much care if it froze or snew. अगर मैं एक बियर होता, एक भालू होता और एक मैं बड़ा भालू होता, मैं बिल्कुल परवाह ना करता कि मैं बाहर का जो दर्जा हरारत है वो जमा देने वाला है या फिर बर्फबारी हो रही है. I should not much mind if it snowed or freeze. I had been all for a lion with the coat like this. मैं बिल्कुल बुरा ना मनाता कि बाहर बर्फबारी है या जमा देने वाला टेम्परेचर दर्जा हरारत है, क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर फर होती. फर मतलब बाल, बाल की बालों से बनी हुई खाल, विद द कोट लाइक दिस, जैसा कि एक कोट के ऊपर होती है बिल्कुल उसी तरह. फॉर आई हैड हैव फर बूट्स एंड अ ब्राउन फर रैप, और इसी तरह से मेरे जो पाँव हैं उनके ऊपर भी एक बालों से बनी खाल होती, एंड अ ब्राउन फर रैप, और फिर पूरी बॉडी के ऊपर एक भूरे रंग की बालों की बनी खाल लिपटी होती, एंड ब्राउन फर निकर्स एंड अ बिग फर कैप, और इसी तरह से मेरी निकर भी भूरे कलर की बालों के बनी खाल से बनी होती, और मेरी कैप, मेरी टोपी बनी होती एक बड़े बालों की खाल से. आई हैव अ फर मफल रफ टू कवर माई जॉज, मेरे जबड़ों को ढांपने के लिए, कवर करने के लिए भी बाल की बनी खाल होती, एंड ब्राउन फर मिटन्स ऑन माई बिग ब्राउन पॉज, और मेरे पंजों, मेरे बड़े भूरे पंजों के ऊपर भी भूरे बालों की से बनी हुई खाल वाले दस्ताने होते. With a big brown furry down of my head, I had sleep all winter in my bath, in a big fur bed. और इसी तरह से बड़े भूरे रंग के बालों वाले मेरे सर के ऊपर भी कवर होता, और फिर मैं सारी सर्दियां बड़े फर वाले बिस्तर पर सोकर गुजारता. In this unit, we will find types of bears. There are many types of bears: brown, black, green, and white. The next part of this text is: bears are very large, furry animals. भालू बड़े और बालों वाले जानवर होते हैं. दे कैन बी ब्लैक, ब्राउन, क्रीम और वाइट. वो काले, ब्राउन, क्रीम, ब्राउन भूरे, क्रीम और वाइट सफेद हो सकते हैं. सम आर एज बिग एज 3 meters हाई व्हेन दे स्टैंड अप. कुछ इतने बड़े होते हैं कि जब वो खड़े होते हैं तो वो तकरीबन 3 meter ऊंचे हो जाते हैं. द लार्जेस्ट बियर्स आर पोलर बियर. सबसे बड़े भालू जो है वो पोलर बियर्स होते हैं. दे लिव इन आर्कटिक. वो आर्कटिक में रहते हैं, नियर द नॉर्थ पोल, जो कि शुमाली कुतुब के पास है. फॉसिल रिमेन्स ऑफ बियर्स have been found from millions of years ago. हजारों साल, लाखों साल पहले बियर्स के, भालू के बकाया जात पाए गए हैं. Fossils are imprinted in stones. Fossils पत्थरों में
प्रिंट फॉर्म में पाए गए हैं, छपी हुई हालत में पाए गए हैं। बियर्स हैव वेरी स्मॉल आईज एंड यूजुअली कैन नॉट सी वेल, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। बियर्स, भालू, उनकी आंखें छोटी होती हैं और आमतौर पर वो बेहतर अंदाज से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी सूंघने की हिस बहुत तेज होती है। बियर्स हैव फ्लैट फीट, दे कैन रन एंड स्विम। भालू के पांव चपटे होते हैं, वो दौड़ सकते हैं और तैर सकते हैं। बियर्स यूजुअली लिव अलोन, भालू आमतौर पर अकेले रहते हैं। ओनली मदर्स एंड बेबीज आर टुगेदर, सिर्फ माँ और बच्चे इकट्ठे रहते हैं। बेबी बियर्स आर कॉल्ड कब्स, भालू के बच्चों को कब कहा जाता है। एंड आर यूजुअली बॉर्न इन केव्स इन विंटर, और आमतौर पर वो सर्दियों में गारों में पैदा होते हैं। बियर्स आर ओमनीवोर्स, बियर्स ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स आर एनिमल दैट ईट वेजिटेबल एंड मीट। ओमनीवोर्स वो जानवर होते हैं जो सब्जियां और गोश्त खाते हैं। बियर्स यूजुअली ईट ओनली स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, भालू आमतौर पर छोटे जानवर और हशरात खाते हैं। दे लव एंट्स, वो चींटियों को से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एंड दे आल्सो लाइक फ्लीज, फ्रूट, नट्स, फिश एंड हनी, और इसी तरह वो पत्ते, फल, मेवे, मछली और शहद खाना पसंद करते हैं। मैनी बियर्स हाइबरनेट, बहुत से बियर जो होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, यानी क्या, सो जाते हैं इन केव्स एंड डेन्स, गारों में और कछारों में। गो टू स्लीप फॉर विंटर, सर्दियों के लिए वो सो जाते हैं। Our next task is to do word meanings. First word is frozen, ice covered, jamna, freeze, curl hair, घूंगर वाले बाल, fossils, found, buried, जमीन से खोद कर निकालना, cub, young of bear, रीच का बच्चा, omnivores, feeding on anything, हिमाखोर, furry, covered with silky hair, समूरदार, जॉज, फ्रेमवर्क ऑफ माउथ, जबड़ा, मफल, रैप, ढांपना। नाउ लेट्स डू अ वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज फ्रोजन, अ फ्रोजन रिवर इज कॉल्ड ग्लेशियर। फ्रीज, अ बियर हैज फ्रीज हेयर। फॉसिल्स, फॉसिल्स आर हार्ड टू फाइंड बिकॉज दे आर अंडरग्राउंड। कब, अबियर्स बेबी इज कॉल्ड कब। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स कैन ईट प्लांट्स एंड मीट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। एक्टिविटी ए, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट कलर्स आर बियर्स? बियर्स आर ब्लैक, ब्राउन, क्रीम एंड व्हाइट। क्वेश्चन नंबर टू, नेम थ्री थिंग्स दैट बियर्स ईट। बियर्स ईट वेजिटेबल एंड मीट। दे ईट ओनली स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट्स, एंट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फिश, नट्स एंड हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू बियर्स डू इन विंटर? इन विंटर बियर्स हाइबरनेट, गो टू स्लीप इन केव्स एंड डेंस। What are omnivores? Omnivores are animals that eat vegetable and meat. What do you know about bears' eyes? Bears have very small eyes and usually can't see well. What would you do if you met a bear? If I met a bear, I would just run away to save my life. Now students, it's time to do your homework. Your homework is do activities part B and C on your book. Best of luck students, take care of yourself. Allah Hafiz.